पवन पुत्र हनुमान को साथ लेकर भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आए। और जैसे ही महाराज खेल दिखा करके दर्शन करके जब चले गए खेल दिखा के, तो भगवान श्री राम रोने लगे। अब मैया कौशल्या सोचे, पता नहीं मेरे लाला को कौन सी सखी नजर दे गई, अभी तो मैंने इसे नभायो नहला के मिटायो और सरसों से मैंने नजर भी उतारी। महाराज दशरथ जी को बुलाया, कहा काऊ भगत बुलाओ काऊ बैद्य बुलाओ, मेरा लाला चुप ही न हो, मैं रो ही जा रहा हूं, पता नहीं कौन सी सखी नजर दे गई है। उसी समय दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे। वशिष्ठ जी ने कहा, जो अभी आए थे वो कोई और नहीं, स्वयं भोले बाबा थे और हनुमान थे। आप हनुमान जी को बुलवा लीजिए, भगवान चुप हो जाएंगे, राम चुप हो जाएंगे। तो दशरथ जी ने हनुमान जी को बुलवाया। 4 वर्ष तक अयोध्या में हनुमान जी बंदर के रूप में रहे, बंदर के बच्चे के रूप में रहे। तो भगवान श्री राम चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ। भगवान श्री राम की उम्र जब 15 वर्ष की हो गई, माताएं थोड़ी शांत हो जाएंगी, बातचीत बंद कर लेंगी। इधर कोने में तो पता नहीं पंचायत में ही लगी हुई है। जब 15 वर्ष की हो गई तो महाराज एक दिन मुनि विश्वामित्र जी दशरथ जी के दरबार में आए और हाथ जोड़ आ करके महाराज कहने लगे कि हे राजन, जो आपका बड़ा बेटा है, जो कौए का पंख धारण करता है, इसे आप मुझे दे दीजिए। हम यज्ञ कर रहे हैं, कुछ राक्षस लोग उसमें विध्वंस कर रहे हैं, पूरा नहीं होने दे रहे, तो हम ब्राह्मण उन्हें दंड नहीं दे सकते। तो महाराज दशरथ कहने लगे, हे प्रभु, मैंने इतनी उम्र में अपने पुत्र को पाया है, भला मुझसे इसे मत मांगिए। तुम कहो तो मैं अपनी सेना को भेज सकता हूँ, तुम कहो तो मैं स्वयं चल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पुत्र को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। कि सब सुत मोहि प्राणन की नाही, और राम देत नहीं बनत गोसाई। ओ सब सुत मोए प्राणन की नाही, राम देत नहीं बनत गोसाई। महाराज दशरथ जी ने कहा है कि आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन मेरे पुत्रों को मत मांगिए, मैं अपने पुत्रों को तुम्हें नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, दी हुई वस्तु न दे करके धर्म नष्ट होता है, दूसरी वस्तु देने पर तुम कहो तो मैं लौट जाऊंगा। उसी समय वशिष्ठ जी आते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, रे राजन, तुम्हारे पुत्रों को ही तो मांग रहे, दे दो ना। तो वशिष्ठ जी के कहने पर दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ में कर दिया। साथ में लेकर के आगे को बढ़े तो देखा है महाराज मलद कुरुश नामक स्थान पर पहुंचे, जहां पर महाराज तारका रहती थी। और जैसे ही विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा, ये हमारे भैया विजेंद्र यादव जी नगला राधे से जो पधारे हैं, बड़े हर्ष की बात है कि दूसरे गांव से लोग आकर के सम्मान कर रहे हैं शास्त्री जी का, लेकिन गांव वालों को कोई फिक्र नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भैया के हाथ सदा ही धर्म की ओर बढ़ते रहें और भागवत जी हमेशा भैया के ऊपर कृपा बनाए रखें। जय श्री राधे। महाराज तारका ने भगवान श्री राम को देखा तो मुंह फाड़ करके खाने के लिए झपटी। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम,
कि हे राम हनो यव बाण शीघ्र ये खड़ी सामने विश्वामित्र जी कहने ले रहे राम इसे मार दीजिए। मत चढ़ की देर लगाओ अब क्या सोच रहे हो तुम थारे भगवान श्री राम कहने लगे यह नारी है हम क्षत्रिय है यह धर्म नहीं बंद करे भगवान श्री राम कहने लगे हे गुरुदेव ये स्त्री है और हम पुरुष हम क्षत्रिय हैं। अरे क्या हमारा धर्म है हम इसका वध कर दे हम तो इसे नहीं मार सकते। विश्वामित्र जी कहने लगे अरे राम जो दूसरे की भूमि को हड़पे दूसरे पे बालकों पर कुदृष्टि रखे दूसरे को सताए ऐसे पुरुष हो या स्त्री मारने में कोई दोष नहीं से मार दीजिए। उसी समय शब्द बंदी वाण से भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया ताड़का का उद्धार किया है। बोल रामचंद्र भगवान की उद्धार करने के बाद महाराज आगे को बढ़े तो भगवान श्री राम लक्ष्मण ने देखा एक आश्रम वीरान है न जिसमें जल है न थल है न पशु है न पक्षी है न फूल है न हरे भरे वृक्ष है एक धूल राग से सनी हुई महाराज एक स्त्री को देखा तो भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र से पूछ लिया प्रभु मुझे ये बताइए ये आश्रम वीरान क्यों और ये धूल राग से सनी हुई ये स्त्री कौन है। तो विश्वामित्र जी ने बताया कि देखिए ये आश्रम गौतम ऋषि का है इनकी पत्नी अहिल्या जो अपने पति से छिप करके अपने पति का रूप बनाए हुए इंद्र के साथ इसने सहवास किया तो पता चल जाने पर गौतम ने इसे श्राप दे दिया तभी से ये धूल राग की ये बनी हुई स्त्री बेशुद्ध में पड़ी हुई है और ये आश्रम भी वीरान हो गया। भक्तों रामचरितमानस में अहिल्या को पत्थर की बताया गया है। वाल्मीकि और रामायण वाल्मीकि रामायण में महाराज प्रथम खंड के पृष्ठ संख्या 128 के सातवें श्लोक में लिखा है उस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने बड़े ही स्वागत सत्कार से उस स्त्री के चरणों को छुआ है पैरों को छुआ और उस स्त्री ने अपने पति गौतम को याद किया दोनों बेटों का स्वागत किया और सुंदर सी स्त्री हो गई। हुर करामात क्या उनके चरणों के रज की ये गौतम की नारी अहिल्या से पूछो ये गौतम की नारी अहिल्या से पूछो Thank you.
करामात जाय उनके चरणों की रज की, ये गौतम की ना